अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम KFC स्टाइल फ्राइड चिकन बनाने वाले हैं, तो चलिए अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने चिकन को स्किन समेत लिया है, आप चाहें तो बगैर स्किन के भी ले सकते हैं। चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद इसे नमक वाले पानी में डुबो देंगे। लेग पीस का जो ऊपर का हड्डी वाला हिस्सा होता है उसे हम छुरी की मदद से काट देंगे ताकि जो इसके अंदर खून होता है वो बाहर निकल आए। अगर हम इस पर कट नहीं लगाएंगे तो फ्राई के दौरान इसमें खून निकलना शुरू हो जाएगा। नमक हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून भरकर डालना है और इसे आधे घंटे के लिए भिगो कर रख देना है। नमक वाले पानी को गिराने के बाद चिकन को अच्छी तरह से खुश कर लेना है और फिर इसके बाद इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। चिकन में से हमने पानी को अच्छी तरह से निचोड़ लिया है, इसे बिल्कुल खुश कर लेना है। इसके बाद जो हम इसमें मसाले ऐड करेंगे उसमें हमारे पास 1 टेबलस्पून तिक्का मसाला है, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, 1/2 टीस्पून लहसुन का पाउडर और 1/2 टीस्पून अदरक का पाउडर है और इसके अलावा 2 टीस्पून सफ़ेद सिरका भी ऐड करेंगे। तमाम मसाले ऐड करने के बाद अब हम हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मसाले को हमने बहुत अच्छी तरह से लगाना है, स्किन के अंदर तक इस मसाला जाना चाहिए। इसमें नमक इसलिए मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि इसको चिकन को हमने नमक वाले पानी में भिगोया हुआ था और नमक इसमें रच चुका होगा। सारे चिकन पर अच्छी तरह से मसाला लगाने के बाद अब हम इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में या बाहर रूम टेम्परेचर पर रखते हैं। अगर गर्मी का मौसम है तो इसे फ्रिज में रखें और अगर सर्दी का मौसम है तो बाहर भी रख सकते हैं। इससे अगले स्टेप पे हमने लिक्विड बैटर तैयार करना है। इसके लिए मैंने 1/2 कप मैदा लिया है और 1/2 कप कॉर्नफ्लोर। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हम 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और इसके अलावा 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब हम इसमें 2 टीस्पून सफ़ेद सिरका ऐड करेंगे। अब हम 1 कप ठंडे दूध से इसका पतला सा बैटर तैयार करेंगे। आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, इसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे। दो घंटे गुजर चुके हैं, हमारा चिकन भी मैरिनेट हो चुका है। चिकन हमने फ्रिज में रखा था इसलिए पहले हम इसे रूम टेम्परेचर पर लेके आएंगे, यानी हमने बिल्कुल ठंडे चिकन से नहीं बनाने, इसे पहले हम रूम टेम्परेचर पर लेके आएंगे फिर इसे फ्राई करेंगे। चिकन को लिक्विड बैटर में डिप करने के बाद खुश्क मैदे पर रखेंगे। तकरीबन 1 किलो के करीब मैंने मैदा लिया है, मैदे में मैंने कोई भी चीज ऐड नहीं की, बिल्कुल सादा है। चिकन को मैदे पर रखने के बाद इसे दोनों साइड से अच्छी तरह से कोट करेंगे और फिर इसे हल्के हाथों से प्रेस करते जाएंगे। आपने सिर्फ उतने ही पीस तैयार करने हैं जितने एक टाइम में आपके पैन में आ सके, इससे ज़्यादा रेडी नहीं करने। जैसे जैसे फ्राई करते जाएंगे साथ साथ रेडी करते जाएंगे और फ्राई करेंगे। मैदा कोट करने के बाद इसे हम हाथों से अच्छी तरह से झाड़ेंगे ताकि इसका फालतू का खुश्क मैदा झड़ जाए। जब हम इसे झाड़ेंगे तो उसी टाइम हमारे क्रम्स बनेंगे। क्रम्स बनाने की टेक्निक सिर्फ इसी टाइम होती है, जितना अच्छी तरह से आप इसे झाड़ेंगे उतने ही अच्छे क्रम्स बनकर आएंगे। अगर आप इसे अच्छी तरह से नहीं झाड़ेंगे तो इसके क्रम्स अच्छे नहीं बनेंगे, बल्कि इसकी लुक बिल्कुल पकौड़ों की तरह की आएगी। आप देख सकते हैं कि जितना मैं झाड़ रही हूँ उतने ही अच्छे इसके क्रम्स बन रहे हैं। इसके बाद मैं इसे गर्म ऑयल में डालूंगी। ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि डालते ही ऊपर से जल जाए, बल्कि हमें मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करना है। पहले एक साइड को फ्राई करेंगे फिर इसकी दूसरी साइड पलटेंगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट एक साइड पर लगेंगे और इतने ही हमारे दूसरी साइड पलट कर लगेंगे। जैसे इसका कलर चेंज हो जाए और ये क्रिस्पी पन इसमें आ जाए तो आप इसे निकाल लें। याद रहे कि आपने फ्लेम को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना, वरना ये अंदर से कच्चा रह जाएगा और ऊपर से ये पक जाएगा। फ्राई करके जब आप किसी प्लेट में रखेंगे तो आपने किसी टिश्यू पेपर या ट्रे पर नहीं रखना, बल्कि इसे जाली पर रखना है। आप ओवन की जाली भी ले सकते हैं या कोई भी आपके पास घर में कोई जाली वाली ट्रे हो उस पर रख सकते हैं ताकि ऊपर नीचे दोनों तरफ से हवा। जाली पर रखने के बाद ये बहुत देर तक क्रिस्पी रहेगा। हमारा चिकन फ्राई होकर रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लुक आई है और खाने में बहुत क्रिस्पी और टेस्टी बना था। इसको हम फ्रेंच फ्राइज़ के साथ सर्व करेंगे और साथ में केचप और मेयोनीज़ के साथ इंजॉय करेंगे। इसके बाद मैं आपको इसकी आवाज़ भी सुनाऊँगी, आप देख सकते हैं कि कितने क्रिस्पी बने हैं। इसके बाद मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखाऊँगी। अंदर से भी ये अच्छी तरह से पक चुका है, बहुत ज़्यादा गर्म है इसलिए हाथों से तोड़ा नहीं जा रहा। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। खुश रहें, आबाद रहें और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।